HS1 न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। सदर TPCC ए रेवंत रेड्डी MP ने चीफ मिनिस्टर की चंद्रशेखर राव को एक मकतूब रवाना करते हुए स्कूलों में मिड डे मील स्कीम पर अमलावरी, बेकायदगियों, पकवान करने वाले वर्कर्स को मुनासिब तनख्वाहों की अदम अदायगी, गैस सिलेंडर्स की अदम फराहमी और दिगर नाखिस सहूलतों के दरमियान नाश्ते की स्कीम के आगाज से पैदा होने वाले कई मसाइल की जानिब तवज्जो दिलाई और कहा कि मिड डे मील स्कीम पर अमलावरी में कई मसाइल के बावजूद सुबह के नाश्ते की स्कीम की शुरुआत करने का मकसद सियासी मफादात हासिल करना है। मकतूब में मजीद कहा गया है कि अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के बावजूद हुकूमत मिड डे मील के बजट में कोई इजाफा नहीं किया। मिड डे मील के मेन्यू को इसलिए तब्दील नहीं किया गया कि इससे पकवान करने वालों पर काम का बोझ बढ़ रहा है। कई स्कूल में किचन का इंतज़ाम ना होने से दरख्तों के नीचे पकवान करना पड़ रहा है। कई स्कूलों में नाखिस ग़िज़ा की फराहमी से तुलबा की सेहत मुतासिर हो रही है। मिड डे मील के साबिका बिल्स की अदम अदायगी से पकवान करने वाले वर्कर्स में तशवीश पाई जाती है। ऐसे में वो किस तरह बच्चों के लिए नाश्ते का इंतज़ाम करेंगे। चीफ मिनिस्टर की चंद्रशेखर राव जो वायरल बुखार में मुब्तला हुए थे सेहतियाब हो रहे हैं और तवक्को है कि अंदरून 2 या मुकम्मल सेहतियाबी के साथ वो हज़्म मामूल फ़राइज़ अंजाम देंगे। KCR के फर्जंद व रियासती वज़ीर KTR ने जुमे के रोज़ एक कौमी न्यूज़ चैनल को बताया कि चीफ मिनिस्टर वायरल बुखार से सेहतियाब हुए हैं मगर इनके फेफड़ों में सानवी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तशखीस हुई है। इसके लिए इनकी मुकम्मल सेहतियाबी के लिए तवक्को से ज़ायद वक्त लग रहा है। वो 1 या 2 दिनों में अवाम में वापस आ जाएंगे। अगरचे के चंद्रशेखर राव अवामी प्रोग्रामों में नज़र नहीं आ रहे हैं मगर वो चंद दिनों से दफ्तरी उमूर अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने नागार्जुना सागर से लिफ्ट कनाल में पानी की इजराई, 4 कॉरपोरेशनों के सुदूर की नामजदगी और दिगर चंद अहम फैसले किए हैं। तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद में दावत का खाना खाने के बाद तकरीबन 70 अफराद बीमार पड़ गए। ज़िले के मिमदापल्ली इलाके में नाखिस ग़िज़ा के इस्तेमाल के बाद ये अफराद बीमार पड़ गए। इसी देहात से ताल्लुक़ रखने वाले M बलवंत ने बच्चे की पैदाइश पर अपने घर पर दावत का कलशब अहतमाम किया। इस दावत का खाना खाने के बाद कई अफराद ने कलशब ही उल्टियां और सेहत की ख़राबी की शिकायत की। तमाम को इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। 20 अफराद को ज़िले मुस्तखिर के रिम्स हॉस्पिटल को, दिगर 5 को मंडल मुस्तखिर के और PHC से रुजू किया गया। तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने इस यकीन का इजहार किया कि जनूबी हिंद की इस रियासत में हुकुमरान जमात BRS अपनी कामयाबी की हैट्रिक करेगी। इन्होंने मंचरियाल ज़िले के हाजीपुर मंडल में 80 करोड़ और 50 लाख रुपए की लागत से पड़तनपल्ली लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि जब रियासत की हुकुमरान जमात BRS का इंतखाबी मंशूर सामने आएगा तो अपोजिशन को धक्का पहुंचेगा। इन्होंने गुज़श्ता रोज़ जलसे में BJP के कौमी सदर JP नड्डा की जानिब से रियासत की बरसर इख्तदार पार्टी को निशाना बनाए जाने पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि नड्डा की आबाई रियासत में ज़ाफरानी जमात कामयाबी हासिल नहीं कर पाई, ये कि चंद्रशेखर राव की सरजमीन है। तेलंगाना के वज़ीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने शहर हैदराबाद के मशहूर नेहरू जोलॉजिकल पार्क को आलमी सतह के पार्क की तरह तरक्की दी जाएगी। इन्होंने जू पार्क की डायमंड जुबली तकरीब में शिरकत की और ऑनलाइन टिकट सर्विसेज का आगाज़ किया। डायमंड जुबली के मौके पर डायमंड जुबली यादगार और सेंट्रल फाउंटेन की नकाब कुशाई की गई। वज़ीर मौसूफ ने 2 बंदरों और 2 सफ़ेद शेरों को इंक्लूज़र में छोड़ा। बाद अज़ां वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी ने चिड़ियाघर के मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले अमले को एजाज़ से नवाजा। रियासती वज़ीर फाइनेंस व सेहत TH हरीश राव ने कोटला में रुकन असम्बली की विद्यासागर राव के हमरा 800 बिस्तरों पर मुश्तमिल सरकारी दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके अलावा टैंक बांड पर कश्ती रानी का आगाज़ किया। बाद अज़ां जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर जलसे से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि रुकन असम्बली राव तकरीबन 20 साल से कामयाबी हासिल करते हुए हलके को 4 चांद लगा रहे हैं। इन्होंने कहा कि हलके के 2 बल्दियात मिटपली और कोटला में 100 बिस्तरों वाले दवाखाना कायम करने का मुतालबा हमारे सीनियर रुकन असम्बली सागर राव ने कहा था। मैंने इनकी ख्वाहिश को पूरा करते हुए कोटला में दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम देते हुए उन्हें आज खुशी महसूस हो रही है। अनखरी मिटपली में भी 100 बिस्तरों वाले दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि अतिब के मैदान में चीफ मिनिस्टर KCR की कोशिशों से बहुत तरक्की की गई है। इन्होंने कहा कि बहुत जल्द कोटला के दवाखाने में CT स्कैन मशीन लाई जाएगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वुड्रा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र अगले हफ्ते मध्य प्रदेश के दौरे पर होंगे। रियासती कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन KK मिश्रा ने आज यहाँ बताया कि मिस्टर गांधी 10 अक्टूबर को शेड्यूल ज़िले के
ब्योबारी में एक जलसेआम से खिताब करेंगे। इस मौके पर रियासती कांग्रेस सदर कमलनाथ और दिगर सीनियर लीडरान भी मौजूद रहेंगे। इजलास दोपहर को होगा। इन्होंने कहा कि इसके अलावा मोहतरमा प्रियंका गांधी वुड्रा 12 अक्टूबर को कबायली अक्सरियती मंडला में एक जलसेआम से खिताब करेंगी। इस इजलास में भी मिस्टर कमलनाथ और दिगर सीनियर लीडरान मौजूद रहेंगे। दोनों इजलास की तैयारियां जोर और शोर से जारी है। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक हफ्ते को हुकाम ने कहा है कि मिट्टी के तोदे गिरने और मुनहदिम इमारतों के नीचे लोगों के फंसने की वजह से हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि जलजिले का मरकज बर्रास से 40 किलोमीटर 25 मील शुमाल मगरब में था और इसके बाद 4.6 और 6.3 शिद्दत के साथ आफ्टर शॉक्स आए। बर्रास शहर में जलजले के झटके मुकामी वक्त के मुताबिक 11 बजे महसूस हुए। जलजले के खौफ की वजह से लोग घरों और इमारतों से बाहर निकले। बर्रास के रिहायशी 45 साल बशीर अहमद ने AFP को बताया कि हम दफ्तर में थे जब अचानक से इमारत हलने लगी। इन्होंने कहा कि दीवारों के प्लास्टर गिरना शुरू हुए और इनमें दरारें पड़ गई। मैं अपने ख़ानदान से रब्ता नहीं कर पा रहा, नेटवर्क कनेक्शंस मुनखता है, मैं बहुत परेशान और खौफ ज़दा हूँ। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।